Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. Friends, today I'm going to teach you something interesting and something little bit different. तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ नया कुछ different सिखाने वाला हूँ और I'm damn sure कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और by the end of this video आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा, वीडियो का टाइटल यही है कि never use, never say these three words in your life again। जब आप इस तरह के वर्ड्स जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ more oftenly यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, तो कन्वर्सेशन आपकी एक तरीके से बोरिंग हो जाती है। ग्रामेटिकली इनको यूज़ करना रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये मैं एक हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, एक एडवांस लेवल की ये इस वक्त वीडियो है एडवांस लर्नर्स के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ों का भी जहाँ पर आपको ख्याल रखना पड़ता है। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बस अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, बल्कि अभी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है वेरी, वेरी प्लस एडजेक्टिव। हम लोग बहुत ज़्यादा किसी भी एडजेक्टिव को बयान करने के लिए, उसके अंदर मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि इस एडजेक्टिव के बारे में हम ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये एडजेक्टिव पाई जा रही है इस जुमले में, इस बंदे के अंदर, इसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। हम वेरी का वर्ड सिंपली लगा देते हैं और समझते हैं कि बस काम ख़त्म हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही फिनिश्ड हिज वर्क वेरी फास्ट, ही फिनिश्ड हिज वर्क वेरी फास्ट। अब हम क्या समझ रहे हैं कि फास्ट को हमने मज़ीद डिफ़ाइन करना था कि बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी अपना काम कर लेता है, तो उसके लिए हम बस एक वर्ड वेरी लगा देते हैं, ये काफ़ी है। और स्पेशली जब आप ऐसे राइटिंग के अंदर आते हैं, आपके मार्क्स कट सकते हैं एक ही तरह का बार बार वर्ड यूज़ करने से। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे राइटिंग के अंदर आपके पास वर्ड्स की लिमिट होती है, तो लिमिटेशन की वजह से भी आपको स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ एक ही वर्ड को बार बार एडजेक्टिव के साथ लगा के उसमें मज़ीद माना पैदा करने के बजाय। ओके, सो लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स कि आप किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। वेरी फास्ट के बजाय आप रैपिडली का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ही फिनिश्ड हिज वर्क रैपिडली इंस्टेड ऑफ वेरी फास्ट। ही फिनिश्ड हिज वर्क रैपिडली, यानी उसने जल्दी से अपना, बहुत जल्दी, बड़ी तेज़ी से अपना काम जो है वो ख़त्म कर लिया। अनदर एग्जाम्पल, ही फिनिश्ड हिज वर्क क्विकली। क्विकली का मतलब भी क्या होता है? वेरी फास्ट। क्विक मतलब वेरी फास्ट से एक हाई लेवल की डिग्री आ गई है एडजेक्टिव की। और ही फिनिश्ड हिज वर्क इन अ जिफी, यानी उसने अपना काम लम्हे भर में, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, उसको एक लम्हा भी नहीं लगा अपना काम ख़त्म करने के लिए। एंड ही फिनिश्ड हिज वर्क इन अ जिफी। इसी तरीके से ही फिनिश्ड हिज वर्क लाइक क्रेजी, लाइक मैड। ही फिनिश्ड हिज वर्क लाइक क्रेजी, लाइक मैड, यानी कि उसने पागलों की तरह अपना काम कर लिया, अपना काम पागलों की तरह। ऐसे पागल कोई काम करते हुए देर नहीं लगाते, कुछ काम करते हुए सोचते नहीं है, फ़ौरन से कर बैठते हैं, तो उसने पागलों की तरह अपना काम कर लिया। लाइक मोर कैजुअल वर्ड में, या थोड़ा सा उसको फ़नी बनाने के लिए, थोड़ा सा उसके अंदर एक नया मूड ऐड करने के लिए अपनी कन्वर्सेशन में, आप इस तरीके से इनफॉर्मली भी बोल सकते हैं। एक और इसका मैं आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। ही फिनिश्ड हिज वर्क in nothing flat. He finished his work in nothing flat. Nothing flat, in nothing flat का मतलब होता है फौरन से एक काम at once कर लेना। At once भी आप कह सकते हैं by the way। He finished his work at once. फौरन से उसने काम अपना कर लिया। और in nothing flat, फौरन से उसने अपना काम कर लिया। अब देखें, बजाय very fast या very very लगाने के आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। एक और ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। He finished his work as quick as a wink. He finished his work as quick as a wink. आपको समझ में आ गया होगा, यानी उसने पलक झपकते ही अपना काम ख़त्म कर लिया, उसने पलक झपकते ही अपना काम ख़त्म कर लिया। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है अपने एडजेक्टिव को मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए इंस्टेड ऑफ वेरी वेरी वेरी। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप लोगों को अगर इस वेरी के बजाय कोई और एडजेक्टिव पता है फास्ट के लिए, या और किसी वर्ड के लिए इस तरह के आपको कॉम्बिनेशंस पता हैं, तो वो कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट दैट बिलो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वर्ड दैट वी हैव हियर इज स्केयर्ड। ठीक है, इसी से रिलेटेड स्केयर्ड एक हमारे पास वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडियंस वर very scared by the very loud noise. The audience were very scared by the very loud noise. यानी कि जो सामीन है वो बहुत ज़्यादा शोर की वजह से क्या हो गए थे? खौफ ज़्यादा हो गए थे, डर गए थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देखें हमने स्केयर के साथ वेरी लगा दिया, इसी तरीके से लाउड के साथ वेरी लगा दिया, बस उसको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर हाई डिग्री के अंदर बयान करने के लिए, जो कि एक हमने जान छुड़ाने वाला काम किया। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, The audience were petrified by the deafening noise। तो petrified का क्या मतलब होता है? petrified का मतलब होता है हवास बाख्ता, जब आप इस जिस कंडीशन में हो जाते हैं उसको कहते हैं petrified। तो very scared के बजाय petrified और वेरी लाउड के बजाय डेफनिंग। डेफनिंग का मतलब है कि कान फाड़ देने वाली, यानी कि आपको डेफ कहते हैं ना बहरे को, लाइक उसके कान फटे हुए हैं, आवाज़ नहीं सुन सकता, बहरा है। सो डेफनिंग नॉइज, डेफनिंग का मतलब इतना शोर है कि आपके कान फटने लगे वेरी लाउड के बजाय। इस तरह के आप एडजेक्टिव्स अगर याद करें तो देखें आपकी कन्वर्सेशन कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि आप वेरी के साथ प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन आप एक अलग एडजेक्टिव के ज़रिए आप बयान कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव के ज़रिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलना चाह रहे हैं वेरी पुअर, यानी कि बहुत गरीब, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, डेस्टिट्यूट, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। वेरी पुअर सेम मीनिंग। वेरी रिस्की, पेरिलस, लाइक PERILOUS। वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ है ना, तो एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड एग्जॉस्टेड। एंड वेरी हंगरी, बहुत ज़्यादा भूखा है, तो रैवनस, रैवनस, RAVENOUS, रैवनस। वेरी क्लीन, स्पॉटलेस। वेरी क्लीन के बजाय आप स्पॉटलेस बोलें, देखें स्पॉटलेस कोई भी दाग नहीं लगा हुआ, एक स्पॉट भी नहीं है। वेरी क्लीन बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है, इसके बजाय आप क्या कह सकते हैं, स्पॉटलेस, कि इसके ऊपर कोई दाग ही नहीं है, कोई निशान ही नहीं है। वेरी इंटेलिजेंट, जीनियस, वेरी इंटेलिजेंट जीनियस। तो इस तरीके के आप वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर मज़ीद स्ट्रॉन्ग मीनिंग हो उस एडजेक्टिव से। वेरी के साथ जो आप लगा रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कोई नया एडजेक्टिव जो है वो यूज़ कर लें। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड वर्ड दैट वी शुड नॉट यूज़ बट वी यूज़ दैट मोस्टली इन आवर कन्वर्सेशंस। दैट वर्ड इज़ सैड। सैड, SAID, सैड, यानी कि उर्दू में कहा, उसने कहा, इसने कहा, उसने कहा। तो बार बार हम जब स्टोरी टेलिंग ज़्यादातर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम सैड का वर्ड यूज़ बहुत करते हैं। इंस्टेड ऑफ उसके इमोशन को, उसकी फीलिंग को बताने के बजाय हम सिंपली सैड का वर्ड बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी हमारी कन्वर्सेशन को एक तरीके से बोरिंग बना देता है, रीडर या फिर लिसनर हमारी कन्वर्सेशन को इतना एंजॉय नहीं करता। आई एम लिविंग यू फॉर एवर, शी सैड, नो ही सैड। I'm leaving you forever, she said. उसने कहा मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। और उसने कहा, लड़के ने कहा, no, नहीं मुझे मत छोड़ो, ठीक है। तो दोनों जगह हमने sad sad यूज़ किया, जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हैं। इस दो लाइंस के एक कन्वर्सेशन के अंदर, इन दो सेंटेंसेस के अंदर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हैं। इसको हम कैसे कह सकते हैं, आई एम लिविंग यू फॉर एवर शी अनाउंस्ड, आई एम लिविंग यू फॉर एवर शी अनाउंस्ड, एंड नो ही क्राइड, नो ही क्राइड, ठीक है। तो उस वो रोया और उसने अनाउंस किया। सैड के बजाय हम ये वर्ड्स यूज करते तो हमारे जो सेंटेंस के इमोशंस हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाते, ज़्यादा एक्सप्रेसिवली हम अपनी कन्वर्सेशन को कन्वे कर पाते। लेकिन हम सिर्फ सैड सैड कह देते हैं तो हमारा एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो आगे कन्वे नहीं हो पाता और हमारी कन्वर्सेशन समहाउ बोरिंग हो जाती है। अब इसी के लिए मैं आपको कुछ और वर्ड्स बता देता हूँ जो कि आपको उस वर्ड के बजाय दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टू शो एक्साइटमेंट यू कैन से babbled, BABBLED, exclaimed, ठीक है। तो एक्साइटमेंट शो करने के लिए आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से टू शो फेयर यू कैन से स्टैमर्ड, गैस्प्ड, स्क्रीम्ड, एंड टू शो डिटरमिनेशन यू कैन से डिक्लेयर, इंसिस्टेड, कमांडेड, टू शो हैप्पीनेस यू कैन से sighed, cursed, laughed, to show sadness you can say sobbed, moaned, lamented, and for storytelling you can say recounted, recalled, resumed. तो इस तरह के words जो हैं वो आप said के बजाय और इन वर्ड्स के बजाय आपको मैंने एग्जांपल्स बता दी, यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई वर्ड किसी फीलिंग के मुतालिक पता हो, कोई अल्टरनेटिव पता हो तो वो आप कमेंट करके मुझे बताएं। एक आपको इसके लिए एक शॉर्ट टिप बता रहा हूँ कि किसी भी वर्ड का आपको सिनोनियम, उसका अल्टरनेटिव जानना है, उससे रिलेटेड दूसरा वर्ड जानना है, गूगल के ऊपर वो वर्ड लिखें और उसका आगे लिख दें सिनोनियम। ठीक है, आपको एक बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी बहुत सारी वेबसाइट्स की जहाँ पर आपको उसके बहुत सारे सिनोनिम्स मिल जाएंगे। इवन इसके ऊपर एक पूरी वेबसाइट है जो कि आपको सिर्फ सिनोनिम्स बताती है, आपको मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। अच्छा, जो तीसरा वर्ड है हमारा वो क्या है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है थिंग। क्या है? थिंग। थिंग की जगह हमें दूसरे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। आई लुक्ड एट ऑल ऑफ द थिंग्स आई फेल्ट सैड। I looked at all of the things and I felt sad. जबकि मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने सारी चीज़ें देख ली और मुझे बहुत जो है वो बुरा फील हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा दुखी फील हुआ। ठीक है, बहुत अफसरदा फील हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा अफसरदा मैंने महसूस किया, दुख महसूस किया इन तमाम चीज़ों के मुतालिक। तो थिंग के ज़रिए हमारी बहुत आदत होती है कि थिंग 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 हर चीज़ के अंदर हम करते रहते हैं, तो ये चीज़ आपकी कन्वर्सेशन को बोरिंग बना देती है। आपने क्या करना है, थिंक के बजाय दूसरे वर्ड्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक्ड इनटू दैट मैटर एंड आई फेल्ट सैड। आई लुक्ड हिम क्राइंग एंड आई फेल्ट सैड। तो आप देखें यहाँ पर आपने एक मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कि आप थिंक के बजाय एक एग्जैक्टली आपने बताया कि मामला क्या है। आई लुक्ड हिम क्राइंग, मैंने उसे रोता हुआ देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा उसको रोता हुआ देख के, बहुत ज़्यादा अफसोदा मैंने इस हवाले से महसूस किया। तो इस तरीके के वर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए जो कि आपकी कन्वर्सेशन को, स्पोकन इंग्लिश को, स्पीकिंग पावर को मज़ीद इन्हेंस करेंगे। एडवांस लेवल की ये बात थी, आपको बताई। आई होप आपको इससे जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह के मज़ीद वर्ड्स आपने कमेंट करके बताने हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई नो प्रॉब्लम, डिसलाइक कीजिए। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू सब्सक्राइब कर लें, पेज स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द डे। अस्सलामु अलैकुम।